प्रकार की मूर्ति का वर्णन भागवत में है, शैली दारुमयी यानी पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, बालू की मूर्ति, तो एक उसमें है मनोमयी मन से बनाई हुई मूर्ति। तो कृपालु का सिद्धांत है मन से बनाई हुई मूर्ति की उपासना करो, पूजा करो, भक्ति करो। बाहर के मूर्ति का, पत्थर की मूर्ति का तुम पूजा करते हो मान लो, पाप नहीं है, लेकिन तुम ठीक से भक्ति नहीं कर सकोगे। क्यों? अरे भाई श्री कृष्ण है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो उनको उसी क्लास की उसी लेवल की माला पहनानी चाहिए, हीरों का हार। हमने तो हीरा देखा ही नहीं, हमारी हैसियत नहीं है। तो फिर तुमको ग्लानी होगी भीतर से, क्या बता मैं ऐसे गरीब हुए, अच्छे कपड़े भी नहीं ठाकुर जी को ला सकते, और मूर्ति रखे हैं, पूजा कर रहे हैं, और एक चीज पूजा की नहीं रही, पूजा के समय चंदन नहीं रहा। अब वहीं से चिल्ला रहा है बीबी को, अरे पप्पे की मम्मी चंदन कहाँ गया, नाक भौ सकोड़ के डांट रहा है गुस्से में, ये उपासना नष्ट हो रही है कि उपासना बढ़ रही तुम्हारी। तो इस बाहरी सामान की जरूरत जहां है वो बीमारी मत पालो, मन से बनाओ, मन से नहलाओ, खिलाओ पिलाओ, रूठो, सब जो कुछ अधिकार सब तुमको है। अपन नए नए ढंग का बनाओ। आज मैंने भगवान बनाया जो वो 2 वर्ष के थे, कल 5 वर्ष का बनाएंगे, अब उसके बाद 18 वर्ष का बना लेंगे, फिर 100 वर्ष का बना लेंगे, फिर घोर बूढ़े भगवान बना लेंगे, लठिया लेके चल रहे हैं। वेद कहता है तुम स्त्री तुम पुमान तुम कुमार उत्वा कुमारी तुम जीर्णे न दंडे न बंचसि, तुम पुरुष भी हो, तुम स्त्री भी हो, तुम बच्चे भी हो, तुम जवान भी हो, तुम बूढ़े होकर लठिया लेके चलते हो। अब तुमको जो रूप पसंद हो उसका ध्यान करो, आजादी है। हमको तो जब भगवान लठिया लेके चलते होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ वो चीज ध्यान करो। हमको तो छोटे से ठाकुर जी जो इतना भी नहीं समझते कि पेशाब करने के लिए हमको अलग जगह जाना चाहिए, खाट पर ही कर रहा है बच्चा, ऐसे भगवान चाहिए। ठीक है, ऐसे भगवान का ध्यान कर लो। सब में छूट दिया भगवान ने, इतनी कृपा, कोई बंधन नहीं है। कहां बैठ के करें, शुद्ध जगह में, मंदिर में, ना ना ना, पाखाने में भी ध्यान करो, खबरदार, 1 सेकंड को मन हटा तो अपराध होगा। न चलति भगवत पदार बिंदाल्लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्रह, 1/100 सेकंड को भी मन हटाने का काम न होने पावे। इसलिए जहां भी जाओ, जैसी पोजीशन में हो, भगवान का स्मरण करते रहो। बीबी पति की गोद में बैठा है, पति बीबी की गोद में बैठा है, हाँ बैठो, अपना ध्यान करो, बीबी समझ रही है हमारा ध्यान कर रहा है, हाँ अपना काम करते रहो। चालाकी, बेटे को चिपटाओ, हाँ बेटा बड़ा मेरा बेटा है, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन प्यार न हो, प्यार भगवान से हो। ये सिद्धांत वेद का है और पुराण का है, मन को ही लगाना है। जितने परसेंट भगवान में गुरु में मन लगेगा, उतने ही परसेंट संसार से डिटैचमेंट होगा, वैराग्य होगा। ऐसे सोचने से वैराग्य नहीं होगा, मैं पक्का निश्चय है मेरा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अरे अरे अरे, भी एक आदमी आके कहेगा, क्यों बे गधे,
गया क्रोध, अभी तो कह रहा था क्रोध नहीं करूंगा। हमने गधा कहा तुमको, हाँ तो तुमने बुरा क्यों माना, तुम मनुष्य हो ना, हाँ फिर आपने गधा क्यों कहा, तो हमारा दिमाग खराब होगा, तुम क्यों क्रोध कर रहे हो, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें क्रोध करने नहीं चाहिए था, किसी और को कह रहा है गधा, या तो फिर ये अंधा होगा, मैं तो मनुष्य हूं गधा नहीं हूं। ऐसे मुस्कुराते रहो, फीलिंग न होने पाए। अरे जो फैक्ट है उसको मानने में क्यों इतराज करते हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, ये सब माया के सेनापति हैं। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी ये सब के सब रहेंगे, अपना अपना सब्जेक्ट पाके प्रबल हो जाएंगे। इस समय आप लोगों को कोई देखे तो क्या कहेगा, सब महापुरुष हैं, न इनमें काम दिख रहा है, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, ये तो जगत गुरु की वाणी के बड़े प्यार से सुन रहे हैं। लेकिन ऐसे ही हमेशा तो नहीं रहोगे, लेक्चर खत्म हुआ और बगल वाले किसी ने यूं कर दिया जरा सा धक्का, ए अंधा है देखता नहीं, इतना गिर गया है मनुष्य, शब्द से पागल हो जाता है, शब्द जो आकाश में चला जाता है शब्द, और वो फैक्ट नहीं मानने को तैयार। तुम जरा कमकल हो, कमकल हमको कहा सबके सामने गुरुजी ने, कमकल क्यों कहा, अकेले में डांट लेते कोई बात नहीं थी, ये लो। अरे गुरुजी ने तुमको डांटा, बस समझ लो तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा, अपना माना तभी तो डांटा, तुम उल्टा फील करते हो उसको। संसार वालों की बात अलग है, तुम्हारा हितैषी माँ बाप नहीं है, वो तो तुमसे स्वार्थ सिद्धि चाहता है, बेटा हमारी सेवा करे, बुढ़ापे में हमको उठावे बैठावे सब कुछ करे, इसलिए तुमको उसने पाला पोसा है। तुम बिन अस सिख दे न को मात पिता स्वार्थ रत ओ, संसारी माँ बाप भी स्वार्थ सिद्धि के लिए बेटे से प्यार करते हैं, ये समझे रहो। इसलिए संसार से प्यार नहीं करना, कोई नाता रिश्ता हो लेकिन व्यवहार करो, पिता बीमार है और तुम मटर गश्ती करने जा रहे हो कहीं, ये ड्यूटी नहीं है, गड़बड़ किया तुमने, अपराध किया, अरे उसको डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करो, मन का अटैचमेंट न करो बस। देखो संसार में तुम 24 घंटे लोग क्या करते हैं, गृहस्थी लोग घंटे आधा घंटे को बीबी से बात कर लिया, मम्मी से बात कर लिया, बाकी 8-10 घंटे ऑफिस में काम हो या दुकानदारी हो, सब जगह एक्टिंग कर रहा है, आइए 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 इनको चाय पिलाओ भाई, साड़ी खरीदेंगे। वो 8-10 जो है तुम्हारी, जिसको फैमिली कहते हो, रिश्तेदारी नातेदारी, इसी ने बर्बाद किया है तुमको, इसमें भी एक्टिंग करो, इसमें भी एक्टिंग सीखो, एक्टिंग। वो हमको धोखा देने के लिए कह रहा है, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम और एक कदम आगे बोलो, अरे मैं हम तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकते, एक्टिंग करने में क्या लगता है। संसार फैक्ट नहीं चाहता, वो तो व्यवहार चाहता है, भगवान व्यवहार नहीं चाहता, प्यार चाहता है, दोनों की साइड अलग अलग है। तो ये फिजिकल साधना से दूर रहो, हमेशा मन का स्मरण रहे भगवान का, गुरु का, और कहीं किसी का स्मरण न हो। और भी संत होंगे, होंगे ठीक है, उनकी साधना हम न सुनेंगे न करेंगे न मानेंगे, हम अपनी गुरु की बताई साधना करेंगे।
क्योंकि एक तो पक्का नहीं कि वो गुरु बनने लायक है कि नहीं, और अगर है भी तो उसका तरीका कुछ और तरह का है, हमारे गुरु जी का तरीका कुछ और तरह का है। तो उनका तरीका हम मानेंगे तो फिर गुरु जी कहेंगे भाई फिर उन्हीं का तरीका मानो, अनन्य बनो, एक रास्ते से चलो। 10 रास्ते हैं किसी चौरस्ते पर, अब कुछ दूर गए लौट आए, फिर कुछ दूर गए लौट आए, तो वहीं के वहीं रहोगे हमेशा। इसलिए जगत गुरु शब्द कोई वेद वेद शास्त्र का नहीं है, वो सारे संसार का वो गुरु है। एक उपाधि बना दिया कि लोग पाखंडियों के पास जाकर, जिनको शास्त्र वेद का ज्ञान भी नहीं है, अपने को सरेंडर कर दें तो क्या मिलेगा? जिसकी शरणागति होगी उसी की प्राप्ति होगी मरने के बाद। तो वो तो पाखंडी है, नरक जाएगा तो तुमको भी जाना पड़ेगा। इसलिए जगत गुरु शब्द पर कोई विशेष ध्यान मत दीजिए, बस ये देना है कि कोई महापुरुष जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो उसको हम अपना गाइड मान लें, अपना गुरु मान लें, हम मान लें, वो नहीं मानेगा अभी, हम मान लें और उसकी बताई साधना करें। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, बर्तन बन जाएगा, तब वो गुरु तुमको दीक्षा देगा। दीक्षा माने स्पिरिचुअल प्रेम, दिव्य प्रेम। और जिस समय दीक्षा देगा, कान में भी देते हैं, ऐसे मुख से भी बोल देते हैं, चिपटा के दे देते हैं, जब वो देंगे गुरु तो तुरंत भगवत प्राप्ति होगी, तुरंत माया निवृत्ति होगी, 1 सेकंड बाद नहीं। वो दीक्षा है। आजकल 12 दिन के बच्चे के भी कान फूके जा रहे हैं, वो चेला हो गया, मैं गुरु हो गया, सब लोग गुरु जी की पूजा करो। ये बड़े बड़े लेक्चरर जो तुम्हारे यहाँ लेक्चर देते हैं टीवी वगैरह पर, ये कहते हैं कि कृपालु किसी को चेला नहीं बनाता, फिर भी एक आदमी इतने भीड़ हो जाती है इकट्ठा, और हम लोग सब चेला बनाए हैं फिर भी हमारे यहाँ कम लोग आते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, वो तो ये कान फूंक फूंक करके चेला इसलिए बनाते हैं कि जब हमारा लेक्चर हो 10,000 आदमी बैठे हों सामने, और सब बेवकूफ बने हुए हैं। गुरु जी समझते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, चेला कहता है अजी गुरु जी हम भी तुम्हारे साथ एक्टिंग करते हैं, हमारा भी प्यार माँ बाप बेटा स्त्री पति में है, और थोड़ा तुमको भी अपना पूजा कर देते हैं बस, और कोई संबंध नहीं गुरु से। ये कान फूंकने वालों गुरु से पूछो कि किसी का सिर मंगा सकते हो? नहीं, इतना प्यार कोई करते ही नहीं। तो ये कान फूंकने की बीमारी से बचे रहो, और हर एक संत का लेक्चर सुनेंगे ये भी बचे रहो, ये दावा मत करो भगवत प्राप्ति के पहले, अरे मैं तो समझता ही हूं जरा सुन लूं देखूं क्या बोलता है। ना ना, अपमान करना भी गलत है, अरे वो पाखंडी है हुआ करे। तुम क्यों अपने हृदय में किसी के प्रति दुर्भावना लाते हो? जिस हृदय में गुरु और हरि को लाना है उसी हृदय में दुर्भावना लाओगे, इसलिए सुनो ही मत, उस दुनिया से अलग रहो। कोई कहे भी, कह रहे आप वो एक बड़े वक्ता आए हैं, ठीक है साहब आप सुनिए, बड़े वक्ता हैं तो हमको जो करना है हम समझ गए हैं, अब क्या सुने? और जो समझ गए तो प्रैक्टिकल करना है उसको, इस तरह बहाना कर दो। लेकिन हर एक का लेक्चर सुनो ना, हर एक के पास जाओ, दत्तात्रेय की नकल ना करो कि हमारे तो बहुत सारे गुरु हैं, अगर एक गुरु नहीं सुनेगा दूसरा सुनेगा। ऐसा संसार में तो होता है कि 10 डॉक्टरों से परिचय रखो, एक डॉक्टर की दवा फायदा न करे दूसरे की कर लो, भगवान के यहाँ ये नहीं चलता। वहां बस एकमात्र
गुरु एकमात्र उसकी साधना और एकमात्र इष्ट देव, ये तीनों अनन्य हो। तो जगत गुरु शब्द का संक्षेप से परिचय दे दिया मैंने। बोलिए जगत गुरु जी की।